अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, इसमें हम लोग दो पढ़ चुके हैं, न्यूट्रलाइजेशन पिछले लेक्चर में और एंट स्टेज। अभी हमारे पास फिर हम तीन लेके आपके बुक में दो है, लेकिन तीन सारी पैरास्पायरल ट्रीटमेंट, फैक्ट्री वेस्ट और फीड ट्रीटमेंट, एक एक करके हम लोग बात कर लिया। जो भी प्लांट होता है ना, प्लांट देखेगा तो प्लांट ग्रो कहाँ करता है, प्लांट सॉइल में ग्रो करता है। और हर प्लांट को ग्रोथ करने के लिए उस सॉइल का उसको फिक्स अमाउंट में एसिडिक सब्सटेंस चाहिए या बेसिक सब्सटेंस चाहिए। सॉइल मतलब कि कितना उसमें एसिड होगा या कितना बेसिक होगा, वो सॉइल प्लांट पे डिपेंड करता है। अगर सॉइल ज्यादा एसिडिक हो गया तो भी प्लांट ज्यादा हेल्दी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, और ज्यादा अगर बेसिक हो गया तो भी प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो फार्मर क्या करते हैं ना कि पहले चेक कर लेते हैं बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, क्रॉप लगाने से पहले उनका काम होता है कि सॉइल को आप चेक कर लीजिएगा, आपका सॉइल जो है वो एसिडिक तो नहीं, बेसिक तो नहीं, उसमें एसिड का मात्रा ज्यादा है या बेस का मात्रा ज्यादा है। क्योंकि बिना चेक किए अगर आप प्लांट लगा दिए तो सब कुछ आप लगा दिया, सीड लगा दिएगा, इरीगेशन कीजिएगा, सब कुछ डाल दिएगा, लेकिन आपका जो प्लांट है वो हेल्दी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। क्योंकि प्लांट को ग्रोथ करने के लिए सॉइल में एक मतलब होता है ना फिक्स अमाउंट में उसका वैल्यू होना चाहिए। आगे चल के 10th क्लास में उसको कहते हैं पीएच वैल्यू, कि सॉइल का एक पीएच वैल्यू होता है वो होना चाहिए, वो ज्यादा कम हुआ तो फिर प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएगा। और पीएच वैल्यू जो होता है वो यही एसिड और बेस पे डिपेंड करता है। तो अगर सॉइल ज्यादा एसिडिक हो गया, ज्यादा एसिडिक हो गया तो फिर हमको उसको न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि जितना न्यूट्रल सॉइल होगा उतना हेल्दी प्लांट ग्रोथ करेगा। तो अगर सॉइल एसिडिक हो गया, एसिडिक होने का बहुत सारा रीजन, ज्यादा फर्टिलाइजर यूज कर दिए तो भी एसिडिक हो जाएगा। तो ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने के बाद सॉइल जो होता है एसिडिक होता है, और क्या होता है कभी कभी एसिड रेन। एसिड रेन आपको पिछले क्लास में कुछ पहले बताया हमने कि किस तरह से एसिड का क्लाउड फॉर्मेशन होता है, और जब बारिश होता है तो बारिश के पानी के साथ वो एसिड नीचे गिरता है, तो वो एसिड जहां सॉइल पे गिरेगा तो सॉइल के अंदर में एसिड मिल जाएगा, उससे भी सॉइल एसिडिक हो जाता है, और फर्टिलाइजर से तो होता है। तो अगर सॉइल एसिडिक हो गया तो फिर अगर हमको उसको न्यूट्रलाइज करना है तो उसके लिए दो चीजें हैं आपके पास, एक क्विक लाइम है और एक स्लैग लाइम है। क्विक लाइम दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लैग लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को सॉइल में मिला देते हैं, जिससे सॉइल जो होता है ना ये दोनों बेस है, ये बेस है, सॉइल पहले से एसिडिक था, एसिडिक के साथ बेस रिएक्ट किया और सॉइल को किस चीज में कन्वर्ट कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, और फिर आप वहां पर प्लांट को ग्रोथ कीजिएगा तो उसका हेल्दी ग्रोथ होगा। कभी कभी क्या होता है कि जो सॉइल होता है वो बेसिक हो जाता है, तो अगर बेसिक हो जाए तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर मिलाएंगे। ऑर्गेनिक मैटर मतलब कि हम गांव में जाओगे ना तो जो घर से निकलने वाले जो भी कचरा होता है, जैसे गाय का गोबर हो गया या घर में मतलब सब्जी का छिलका उलका, तो लोग क्या करता है कि एक जगह गार्बेज के फॉर्म में कलेक्ट करता है, उसी को ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। जितना भी ह्यूमन या प्लांट का जो वेस्ट होता है उसको ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, वो लोग उसको कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करने के बाद उसको उठा करके खेत में डाल देता है। वो ऑर्गेनिक वेस्ट, उसको आप कंपोस्ट भी कह सकते हैं, वो क्या करता है कि आपका जो सॉइल बेसिक सॉइल है उसको न्यूट्रलाइज करता है, और फिर एक तरीके से आपका सॉइल का फर्टिलिटी को बढ़ाता है, और वहां पे प्लांट हेल्दी ग्रोथ करता है। तो प्लांट के लिए ना तो एसिडिक सॉइल ज्यादा सुटेबल है ना तो बेसिक। अगर एसिडिक हो गया तो बेस मिलाकर उसको न्यूट्रलाइज कीजिए, और अगर बेसिक हो गया तो फिर ऑर्गेनिक मैटर या कंपोस्ट मिलाकर तो उसको न्यूट्रलाइज कीजिए। क्लियर? फैक्ट्री वेस्ट, जानते हो कि बहुत सारे फैक्ट्री होते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के फैक्ट्री होते हैं। फैक्ट्री का जो वेस्ट निकलता है बहुत सारा वेस्ट हो सकता है, वो वेस्ट को क्या करते हैं, लोग डायरेक्टली थ्रो कर देते हैं इन अ रिवर। अभी आप गंगा के बारे में जानते होंगे, तो गंगा जो सबसे ज्यादा पॉल्यूट होता है वो किसके कारण पॉल्यूट होता है, कानपुर में जो लेदर इंडस्ट्रीज है उसके कारण। तो वो जो अपना वेस्ट को रिलीज कर दिया गंगा में,
वो जो वेस्ट रिवर के वाटर में आता है तो पानी को क्या कर देता है कि वो एसिडिक कर देता है, पानी को क्या कर देगा एसिडिक। आगे चल के हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे, आपको हम बता देंगे, आपको एक दो लेक्चर के बाद ही आपको भी बता देंगे पीएच वैल्यू। तो जब वो अपना वेस्ट को थ्रो करता है ना पानी में, तो पानी जो होता है वो एसिडिक हो जाता है, एसिडिक का मतलब उसका पीएच वैल्यू घट जाता है। और जैसे ही मतलब कि पानी जो है रिवर का वाटर जो है एसिडिक हो जाएगा, तो ना तो उसमें प्लांट सर्वाइव कर पाएगा ना तो एनिमल सर्वाइव कर पाएगा। इसलिए आप देखिएगा कि आपके घर के पास जो नाला निकलता होगा, जो नाला है बड़ा बड़ा नाला, वो पानी जो होता है ना पूरी तरीके से एसिडिक वाटर होता है। उस नाले के पानी वगैरह आप देखिए कि नाले के किनारे के कितना प्लांट या कितना एनिमल उसके अंदर है, तो आपको पता चलेगा कि उस नाले के पानी के पास कोई ना तो प्लांट है ना तो एनिमल है। एसिडिक वाटर में ना तो प्लांट सर्वाइव कर सकता है ना एनिमल सर्वाइव कर सकता है। तो इसीलिए क्या होता है कि फैक्ट्री से जो निकलने वाला वेस्ट है बिफोर थ्रोइंग द रिवर, नदी में उसको थ्रो करने से पहले उसको बेस के साथ मिला दिया जाता है। ज्यादातर क्या होता है वेस्ट की एसिडिक होता है, उसको बेस के साथ मिला करके उसको क्या कर दिया जाता है न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। उस वेस्ट को बेस के साथ ट्रीट करके उसको मिला करके उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, एंड देन न्यूट्रलाइज करने के बाद ही उसको रिवर में थ्रो किया जाता है, ताकि जो रिवर के प्लांट और एनिमल है वो अपने आप को अच्छे से सर्वाइव कर पाए। ठीक है, और एक लास्ट चीज आता है टीथ डीके। टीथ डीके तो आप जानते हो कि हम लोग जो खाना खाते हैं तो क्या कंटेन करता है, वो शुगर को कंटेन करता है, शुगर या कार्बोहाइड्रेट आप जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है शुगर। तो जब आप खाना को चबाते हैं तो चबाने के बाद आपके दांत जो होंगे ना, दांतों के बीच में बहुत सारे छोटा छोटा गैप होगा, होल होगा, उस गैप में क्या होता है कि वो फूड का पार्टिकल स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है। फिर आप खाना खाए, मुंह धो लिए, मुंह धोने पानी से भी वो पार्टिकल बाहर नहीं आता, फिर बहुत सारा बैक्टीरिया जो होता है ना दांत के पास होता है, उस फूड को वो क्या करता है डिकम्पोज करता है, डिकम्पोज मतलब सड़ाता है। जिसके पास वो जो फूड होता है धीरे धीरे एसिडिक हो जाता है, सड़ने के बाद क्या फॉर्म करता है एसिड का फॉर्मेशन करता है। आप ऐसा देखोगे कि सुबह सुबह रात में मतलब कि दिन भर तो आप सुबह ब्रश कीजिए फिर रात नहीं करते हो तुम लोग, तो सुबह उठ के अपने दांत के पास जीभ को लाओ तो हल्का खट्टा खट्टा सा फील होगा। सुबह सुबह दांत जो है ना हल्का खट्टापन लगता, या सुबह सुबह अगर एक दो दिन ब्रश नहीं करो तो फिर दांत के पास कुछ रखोगे तो झनझनाहट सा फील होगा। तो वो जो खट्टा खट्टा जो लगता है ना वह आपके एसिड के कारण ही होता है। तो दिन भर में आपका फूड का पार्टिकल को बैक्टीरिया जो है सड़ा करके आपके दांत के पास क्या कर देता है एसिड जमा कर देता है, और आपका जो दांत पीलापन जो आता है ना दांत पे वो उसी एसिड के कारण होता है। एक मार्बल पे एसिड को डाल दोगे तो देखो ना मार्बल कोरोड कर जाता है। तो सेम जो दांत होता है उस दांत पे जैसे एसिड ज्यादा जमा होता है तो उसको दांत को व्हाइट वाला दांत को कोरोड करके उसको कैसा कर देता है पीलापन ला देता है। अगर आप उसको कुछ दिन छोड़ दीजिए यू ही एसिड को जमा होने दीजिए तो धीरे धीरे आपका दांत का फिर जो पीएच वैल्यू है, फिर बात करें पीएच वैल्यू क्या होता है, वो घटता है। और एक सर्टेन टाइम तक घटने के बाद क्या होगा कि अगर फिर भी आप कुछ ट्रीटमेंट नहीं किए तो आपका दांत ज्यादा अगर एसिडिक हो जाएगा तो टूटना शुरू होगा, आपका दांत कमजोर हो जाएगा और फिर झड़ जाएगा। तो करें क्या करें, वो एसिड को हम क्या करें उसको न्यूट्रलाइज कर दीजिए। हर दिन हम लोग क्या करते हैं सुबह सुबह उठ करके तो ब्रश करते हैं, ब्रश में क्या करते हैं टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट किस चीज से बना रहता है बेस। तो जब हम ब्रश करते हैं तो वो जो बेस होता है वो दांत पे जाता है, दांत में जो एसिड का फॉर्मेशन हो चुका है उससे वो बेस रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद उसको किस चीज में कन्वर्ट कर देता है न्यूट्रल सब्सटेंस में रिएक्ट कर देता है। आपका वहां से एसिड खत्म हो गया, फिर आप दिन भर फ्रेश रहते फिर खाना खाते फिर खाना खाने के बाद फिर वहां एसिड का फॉर्मेशन होता है, फिर अगले दिन फिर ब्रश कर दिए फिर वो न्यूट्रलाइज हो गया। और इस तरह से हम लोग को पर डे ब्रश करना चाहिए, और हो सके तो दिन में दो बार करना चाहिए, ताकि जैसे ही एसिड का फॉर्मेशन हो आप उस पर ब्रश करते हैं मतलब बेस लगा देते तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, और इससे आपके दांत जो होती है वो ज्यादा मजबूत होगा, दांत का जो पीलापन है वो पीलापन नहीं आएगा,
और आप लंबे टाइम तक अपने दांत को सेव कर सकते हैं। तो टूथपेस्ट में क्या होता है, बेस होता है। तो टूथपेस्ट का मेन काम क्या होता है, दांत को साफ नहीं करता, यानी कि दांत वो जैसे मिट्टी बैठा हुआ उसको साफ करता है। टूथपेस्ट का काम होता है कि जो एसिड होता है उस एसिड को भी वो न्यूट्रलाइज करता है, और इससे हमारा दांत फॉरवर्ड होने से बचता है, हमारा दांत टूटने से बचता है और हमारा दांत स्ट्रांग होता है। तो आई होप कि आप कुछ प्रोसेस समझे होंगे कि हमारे डेली लाइफ में एसिड को किस तरीके से न्यूट्रलाइज करते हैं। आज के लिए बस इतना ही।